शाम के 5 बज रहे हैं और मैं हूँ अपने किचन में, तो चिमनी चल रही है, बहुत आवाज़ आ रही थी तो मैंने इसे बंद कर दिया। और इस समय देखिए मैं क्या कर रही हूँ, सुन रही हूँ यहाँ पर मुरमुरे, कुछ लोग लाई भी बोलते हैं, कुछ लोग मुरमुरे बोलते हैं, कुछ लोग घूंगड़े बोलते हैं। तो चाय के साथ मैं घूंगड़े सेक रही हूँ, थोड़ी हल्दी डालकर। इसमें मैंने राई, हरी मिर्च, करी पत्ता और थोड़ी सी हल्दी डाली है, साथ ही नमक डाला है। तो जब ये थोड़े थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं तो चाय के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और साथ ही यहाँ पर चाय बन रही है। तो अभी मैं जस्ट मार्केट से लौट कर आई हूँ, मार्केट से मुझे कुछ सामान लेना था, किचन के कुछ आइटम थे, आइटम मीन्स यूटेंसिल्स थे, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है। दो चार चीज़ थे जो मुझे लेने ही थे। और साथ ही मैं एक सूट का बहुत सुंदर सा पीस लेकर आई हूँ, क्योंकि शाम को हमें एक शादी में जाना है। शादी जो है वो मोहम्मडंस में है, हमारी फैमिली फ्रेंड है, उनके सिस्टर की शादी है, तो उसमें हम सब शाम को जाने वाले हैं। तो हमने सोचा कि लिफाफा देने की बजाय कुछ अच्छा सा गिफ्ट देते हैं, तो इसलिए मैं 1000 रुपीज़ का एक अच्छा सा सूट पीस लेकर आई हूँ, न्यू ब्राइड के हिसाब से, जो कि उन लोग को पसंद आएगा। तो मैं वो सूट पीस लेने गई थी और अभी मैं आपको सूट पीस भी दिखाऊंगी और साथ ही अपने किचन के यूटेंसिल्स भी दिखाऊंगी। उसके बाद से हम लोग तैयार होके चाय पीकर और फिर 7-7:30 के लगभग शादी में जाएंगे सब लोग। तो बारी बारी जाएंगे, 2 टर्न में पहले मेरे देवर जाएंगे, उसके बाद से जब वो आ जाएंगे तो फिर हम लोग सब लोग जाएंगे, ननद भी जाएंगी, बच्चे जाएंगे हम लोग के साथ। शादी यहीं घर के पास ही है, घर के पास ही एक मैरिज हाउस है, वहाँ से शादी हो रही है। तो हम सब बस अभी 1-1.5 घंटे बाद शादी में जाने वाले हैं, तो देखते हैं शादी में कैसा लगता है। मैंने अभी तक कभी मोहम्मडंस की शादी अटेंड नहीं करी है, पर आज उनके यहाँ जाना है फर्स्ट टाइम। देखते हैं क्या होता है, कैसा माहौल है। अब हमारे वो फैमिली फ्रेंड है तो जाना तो है ही है, तो बस उनके सिस्टर की शादी में जाएंगे हम लोग अभी शाम को। तो आइए मिलते हैं चाय की टेबल पर। तो यहाँ पर मैंने मुरमुरे प्लेट में निकाल दिए हैं और उन पर थोड़ा थोड़ा नमकीन भी डाल दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ सब चटपटा ज़्यादा खाते हैं, तो थोड़ी सी ये मिक्स नमकीन है जो खाने में बहुत टेस्टी होती है, तो इसे मैंने मुरमुरे के ऊपर से डाल दिया है। ये लो भाभी चाय। जी हाँ, ये है मेरी शुगर फ्री वाली चाय, बाकी सबकी चीनी वाली चाय अभी पक रही है, ये मेरी शुगर फ्री वाली चाय है। तो चलिए बैठकर मज़ा लेते हैं चाय और मुरमुरों का। मैं पी रही हूँ चाय और मुरमुरा खा रही हूँ साथ में, और बाकी सब भी खा पी रहे हैं, सब कहीं बैठे हैं, कुछ कहीं बैठे हैं, तो बस सब इंजॉय कर रहे हैं। चाय पी लिया मैंने, चाय पीने के बाद मैं रूम में आकर बैठी और सोचा कि आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ। शॉपिंग में सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये सूट पीस जो कि मैं गिफ्ट देने के लिए लाई हूँ, जो मैंने अभी आपसे बताया था। तो ये है कुर्ते का कपड़ा, नेक पे इसके डिज़ाइन बनी हुई है और इस तरीके का है, और इसके बॉटम पर ये डिज़ाइन है जो आपको दिख रही है। साथ ही है दुपट्टा, इसमें दुपट्टा मैं खोल नहीं रही हूँ क्योंकि अभी हमें इसकी पैकिंग करनी है शादी में ले जाने के लिए। ये दुपट्टा है, साथ ही इसी कलर का इसका सलवार का कपड़ा है और ये मुझे पड़ा है 1000 रुपीज़ में। इसका जो कपड़ा है वो काफ़ी शाइनिंग वाला है, सूट का कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, कॉटन मिक्स कपड़ा है, शाइनिंग है, और यहाँ पर इसमें काथा वर्क टाइप की कढ़ाई की हुई है इसी कलर के रेशम से, जो आपको शायद वीडियो में नहीं दिख रही होगी, आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस तरह की कढ़ाई है लगभग नीचे तक, बॉटम तक। तो ये काफ़ी अच्छा पीस लगा मुझे 1000 रुपीज़ में, बहुत अच्छा पीस है ये। तो इसे मैं रख देती हूँ और इसे पैक करेंगे फिर हम लेकर जाएंगे, इसलिए मैंने इसके टैग्स वगैरह कुछ भी नहीं निकाले हैं क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता। बाकी आपको किचन के यूटेंसिल्स दिखाती हूँ मैं, जैसे ये है किचन के यूटेंसिल्स में स्पैटुला, ये है सिलिकॉन का स्पैटुला और इसमें वुड की ये हैंडल बनी हुई है, इसे निकाल कर वॉश करना हो तो इसे हम आसानी से निकाल कर वॉश कर सकते हैं, और ये मुझे पड़ी है 85 रुपीज़ में। आप बताइएगा कि आपको ये पीस कैसा लगा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सिलिकॉन के स्पैटुला, नॉनस्टिक बर्तनों पे मैं यही यूज़ करती हूँ, मेरे पास कई साइजेस के हैं, तो एक बार मैं वापस से ये लेकर आ गई। इसके बाद है ये बास्केट, पास्ता वगैरह छानने के लिए या फिर सब्जियां छाननी होती हैं, इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स होता है, कुछ हम धुल के रखते हैं, तो इस तरह की हैंडल से इसे टिकाना काफ़ी आसान हो जाता है,
मेरे पास अभी तक इस टाइप के हैंडल वाले थे जो यहाँ लगे होते हैं और उन्हें पकड़कर किसी बर्तन में डालना पड़ता है, तो मैं इस टाइप का ये बास्केट लेके आई। ये मुझे पड़ा है 90 रुपीज़ में, तो मुझे काफ़ी अच्छा पीस लगा, तो ये मैं लेकर आ गई। इसके बाद मैं लाई हूँ एक तवा, आयरन तवा, पर इसकी जो आयरन की क्वालिटी है वो कुछ अलग टाइप की है। उन्होंने बोला कि शॉपकीपर ने कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और इसे अगर हम ऐसे ही हल्का सा वॉश कर देंगे तो ये साफ़ हो जाएगा, तो एक बार फिर इसे धुल कर मैं यूज़ करने वाली हूँ। और ये मुझे पड़ा है 160 का ये आयरन तवा। ये बाकी आयरन तवे से थोड़ा सा अलग हटके है, इसलिए 30-40 रुपीज़ उससे ज़्यादा था। सिंपल आयरन तवा होता है वो लगभग 110 का ही मिल रहा था, तो मैं ये लेकर आ गई। इसके अलावा मैं लाई हूँ, ये आपको दिखाती हूँ, रोलिंग पिन जो कि सिलिकॉन का बना हुआ है, कुछ सिलिकॉन टाइप का इसका मटेरियल है। एग्जैक्टली नहीं पता क्या मटेरियल है, पर ये मुझे काफ़ी पसंद था। एक बार मैं इसे पहले भी शॉप पर देखकर आई थी, तो उस टाइम मैं ले नहीं पाई थी, तो ये रोलिंग पिन मुझे बहुत पसंद था। वीडियोज़ में अच्छे लगते हैं, डेली यूज़ में जब इस तरह से घुमाते हैं हाथों में तो काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे पास सिलिकॉन का चकला भी है, तो मैं ये रोलिंग पिन भी लेके आ गई। ये मुझे पड़ा है 200 में, 225 से उन्होंने 200 करके दिया, तो मैं थोड़ी थोड़ी बार्गेनिंग भी कर लेती हूँ अपनी चीज़ों में और फिर लेकर आती हूँ। तो आप बताइएगा कि आपको मेरी ये किचन यूटेंसिल्स कैसे लगे। मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे, मैं अपने सारी चीज़ें अपनी पसंद से लेकर आई हूँ। तो बस इसके बाद फिर हम करेंगे अब शादी में जाने की तैयारी, तो मैं जा रही हूँ तैयार होने और दिया को भी तैयार करूँगी। फिर मिलती हूँ आपसे तैयार होने के बाद, मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या पहना है, मेरे ननंद ने क्या पहना है। हम दोनों मिलेंगे आपसे तैयार होने के। मैं हो गई हूँ रेडी शादी में जाने के लिए, घर में बाकी सब भी रेडी हो रहे हैं, दिया को रेडी कर दिया है और मेरे हस्बैंड अभी थोड़ा बैठकर किसी से बात कर रहे हैं, कोई आया हुआ है। मैं रेडी हो गई थी तो मैंने सोचा आप सबके साथ वीडियो बना लूं और अपना लुक भी मैं आप सबको दिखाना चाह रही थी कि मैंने क्या पहना है। मैंने यहाँ पर पहना है सिल्क का एक गाउन, जिसे मैं आपको कांच में दिखाती हूँ। आप सब मुझे इस कांच में देख सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल खोल रखा है मैंने और आप मेरा गाउन देख सकते हैं। ये सिल्क के कपड़े पर मैंने गाउन बनवाया था, पर इसे कभी पहना नहीं था, सोचा था किसी शादी वादी में पहन के जाऊंगी। तो ये गाउन मेरी आपको कैसी लग रही है, मैंने आज पहना है क्योंकि गर्मी के दिन है और ये सिल्क का कपड़ा है, तो गर्मी में कॉटन और सिल्क यही दो कपड़े चलते हैं, तो मैंने इसलिए गाउन पहन रखा है। मैं जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि कॉटन के कपड़े या फिर सिल्क के कपड़े पहन कर जाऊँ, तो मैंने ये गाउन गर्मी के लिए स्पेशली बनवाया था, इसलिए इसका ये पार्ट एकदम सिंपल रखा था। बस इसमें इस तरह का एक बेल्ट लगवाया था और बैग भी मैं आपको दिखाती हूँ कि पीछे एक बस एक डोरी लगवाई है मैंने इस गाउन में। यहाँ पर गाउन का आप मेरे बैक पार्ट देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कपड़े की एक बटरफ्लाई लगवाई हुई है और इससे लटकता हुआ ये थोड़ा सा लंबा सा डोरी जैसा, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, पीछे से अच्छा लुक देता है गाउन का। साथ ही मैंने कानों में पहने हैं ये नक के इयररिंग्स जो इसी कलर से मैच हैं थोड़े, तो इसे भी मैंने फर्स्ट टाइम पहना है इसी गाउन के लिए, मैंने इसे स्पेशली परचेज करके रखा था। और लिपस्टिक लगाई है रेड कलर की, तो मैं कैसी लग रही हूँ आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको घर के बाकी लोगों से भी मिलवाती हूँ। यहाँ पर है मेरी ननद जो थोड़ा सा बालों को संवार रही हैं। हाय। आप इनका भी लुक देख सकते हैं, इन्होंने लंबी कुर्ती और लेगिंग्स पहना हुआ है। दिया है जो शेरवानी में है, दिया को ये शेरवानी बहुत पसंद है। मेरी बुआ है लखनऊ में, उन्होंने दिया को ये शेरवानी दी थी, तो दिया इस ड्रेस को काफ़ी पसंद से पहनती है। और ये है मोनी। मोना हाय। तो आप सब देख रहे हैं मोना भी बहुत प्यारी लग रही है प्यारे से फ्रॉक में। मोनू हाय। अच्छी है ना मोनू, बहुत सुंदर है ना मोनू, बहुत प्यारी है। हमारी दिया भी बहुत प्यारी है, दिया बहुत सुंदर लग रही है, स्मार्ट लग रही है हमारी दिया। थोड़ी नाराज हो गई दिया, दिया को थोड़ी डांट पड़ गई। अब हम सब निकलने की तैयारी में हैं, हम दोनों कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा। तो बाकी सब अब तैयार हो रहे हैं और हम लोग बस थोड़ा सा कमरे में वीडियो बना रहे थे, तो बस अब निकलते हैं और शादी में मौका लगा तो वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। मैं लौट चुकी हूँ शादी में से, आ चुके हैं, हमने चेंज कर लिए हैं
पर हुआ यूँ कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत गर्मी थी और बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो हम लोग खाना खाकर नहीं आए। हम लोग यूँ ही चले आए, गिफ्ट दिया, दुल्हन से मिले, दुल्हन के घर वालों से मिले और फिर चले आए यहाँ पर, क्योंकि किसी के खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही थी, गर्मी काफ़ी हो रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो घर जाते हैं और फिर कुछ ऑर्डर करके खाना खा लेंगे। तो ऑर्डर में देखा तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या ऑर्डर करें, तो मेरे हस्बैंड अपने फेवरेट ढाबे पर चले गए और वहाँ से वो खाना लेकर आएंगे। तो बस मैं चेंज करके वीडियो बनाने लगी हूँ, तो खाना खाते ही आपके साथ शेयर करूँगी कि देखते हैं वो क्या लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हम सब घर के हॉल में बैठकर खाना खा रहे हैं, क्योंकि उस दिन गर्मी काफ़ी थी और सबने सोचा कि फर्श ठंडा है तो वहीं बैठकर खाना खा लेते हैं। और उस दिन मेरे हस्बैंड लेकर आए थे आलू छोले की सब्जी और तंदूरी रोटी, तो उस ढाबे की आलू छोले की सब्जी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। पसंद तो उन्हें कढ़ाई पनीर भी है, पर कढ़ाई पनीर उस दिन अवेलेबल नहीं था, तो वो आलू छोले की सब्जी लेकर आए थे। तो दिया भी और बच्चे मोना भी है, वो सब काफ़ी प्रेम से खा लेते हैं इस सब्जी को। उस टाइम मेरे हस्बैंड का कोई कॉल आ गया था, तो वो फ़ोन पर बात कर रहे थे, इसलिए वो हमारे साथ नहीं है इस टाइम पे। उन्होंने बाद में खाना खाया था और बच्चों को काफ़ी भूख लग रही थी, तो हम दोनों साथ में बैठ गए थे खाना खाने। तो मैंने इसके बाद का कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो नेक्स्ट ब्लॉग मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ जल्दी ही। इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलूँगी, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू।